गोरखपुर के जिस मठ की तरफ थी बाबा के विरोधियों की निगाहें, बाबा ने सुरक्षा में लगा दी ऐसी तीसरी आंख कि अब परिंदा भी नहीं मार पाएगा। पर जो कट्टरपंथी उठाते थे धार्मिक स्थलों की तरफ नजर, बाबा तीसरी आंख से लेंगे उनकी खबर। अब प्रदेश में धार्मिक स्थलों की तीसरी आंख से होगी निगरानी। खासियतें ऐसी कि दुश्मन के इरादों पर सेकंडों में फेरेगा पानी। हरियाणा में योगी की रैलियों का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिला और वहां के हिंदुओं ने खुलकर योगी की बातों को सिराखों पर रखते हुए भाजपा को लगातार तीसरी बार ताज पहनाने का काम किया। और अब बाबा खुलकर हिंदुओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा रहे हैं। अब धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विशेष ड्रोन की तैनाती की जाएगी। कुंभ मेले के साथ साथ अयोध्या और गोरखपुर जैसे धार्मिक स्थलों और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस 9 नए टेथर्ड ड्रोन खरीदने जा रही है। यूपी पुलिस के सुरक्षा मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने रजामंदी की मुहर लगाते हुए 9 टेथर्ड ड्रोन खरीदने के लिए 4.61 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक एक टेथर ड्रोन की कीमत 51,33,000 रुपए प्रस्तावित की गई है। खरीदे जा रहे टेथर ड्रोन में से एक श्राइन यूनिट अयोध्या के लिए होगी, जबकि एक गोरखपुर स्थित गोरखपीठ की सुरक्षा में लगेगा। एक टेथर ड्रोन का प्रयोग आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में किया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक 2 टेथर ड्रोन आगामी कुंभ मेले की सुरक्षा में रहेंगे, जबकि 2 वीवीआईपी सुरक्षा में और 2 मुख्यालय के रिजर्व में रहेंगे। टेथर ड्रोन का ज्यादातर इस्तेमाल सेना बॉर्डर की निगरानी के लिए किया जाता है। टेथर ड्रोन के जरिए आसमान से करीब 2.5 किलोमीटर की रेंज की निगरानी की जा सकती है। इनका फ्लाइंग टाइम अनलिमिटेड होता है, क्योंकि बैटरी के बजाय इन्हें उड़ाने के लिए जेनसेट का इस्तेमाल होता है। केबल के जरिए ग्राउंड स्टेशन से जुड़े होने की वजह से इनमें डेटा ट्रांसमिशन बेहतर तरीके से होता है और पावर सप्लाई में भी रुकावट नहीं आती है। केबल के जरिए जुड़े होने के चलते इनके क्रैश या हैक होने की आशंका बेहद कम होती है। केबल से बंधे होने के कारण इनका मूवमेंट काफी कम होता है, इसके चलते इन्हें चलाने के लिए पायलट स्किल की बहुत जरूरत नहीं होती। बेसिक प्रशिक्षण के बाद पुलिस कर्मी इन्हें आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। योगी सरकार का ये फैसला इसलिए भी आया क्योंकि पिछले कई समय से प्रदेश के अंदर हिंदू त्योहारों आयोजनों पर कट्टरपंथियों ने तरह तरह की बाधा डालने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन इस बार बाबा ने ठान लिया है कि सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी कमी बरती नहीं जाएगी और ये ऐलान उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रदेश में अगले वर्ष महाकुंभ का आयोजन भी होना है, जिसको लेकर बाबा बेहद एक्टिव हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम में कोई कमी बरतना नहीं चाहते। तो ये ड्रोन अब उन कट्टरपंथियों और धार्मिक स्थलों पर भेद करने की सोच रखने वालों के लिए काल होगा, क्योंकि ड्रोन न सिर्फ जमीन पर निगरानी करेगा बल्कि आसमान से भी निगरानी करेगा। यानी धरती हो या आसमान, उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की साजिश रचने वालों को अब निराशा ही हाथ लगेगी। आप बताइए, योगी का ये फैसला आपको कैसा लगा? क्या इन हाईटेक ड्रोन को देश व प्रदेश के अलग अलग कोनों में सुरक्षा की दृष्टि से इस्तेमाल किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों को इस ड्रोन की जानकारी दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।